मैं मन बनाया कि तख्त साहब की सेवा जिहड़ी आ ओह सरबत खालसा पंथ किसी भी योग व्यक्ति गुरसिख नूं मेरी जगह नियुक्त कर सकता, मैनूं खुशी होवेगी। अज मैं अपना एक बेनती पत्र तख्त श्री दमदमा साहब जिथों का मैनूं जथेदार लाया सी उत्थे मैं बेनती पत्र रख दिता जिहनूं सरबत खालसा पंथ प्रवान करे, मैनूं खुशी होवेगी। और इन्हां सेवावां नूं निभाउंदिआं मेरे कोल कोई भी कोताही होई होवे मैं बड़ी निम्रता सहित अपने पंथ खालसे दे कोलों माफ़ी मंगदा। सरबत खालसा वालों थापे जथेदार भाई बलजीत सिंह दादूवाल ने अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता। हालांकि दादूवाल ने अस्तीफा देन पिछे हरियाणा दे विच होई सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधानगी का हवाला दिता है। दादूवाल ने कहा कि तख्त श्री दमदमा साहिब के जथेदार का अहुदा बहुत वड्डा है ते यह सरबत खालसा की संगत फैसला करेगी कि यह अहुदा किसी होर सिख नूं दिता जाए। जो 10 नवंबर 2015 नूं सरबत खालसा वालों दास नूं तख्त श्री दमदमा साहब की सेवा शहीदां की धरती चब्बा ते सौंपी गई सी लखां दे इकट्ठ विच, सो दास ने अकाल पुरख की कृपा संगतां दे सहयोग दे नाल तनदेही नाल निभाउण दा जतन कीता। भावें समय की सरकार ने महीनिया बद्धी जेलां च रखिया, उस तों बाद अनेक मुश्किलां दा सामना करना पिया, बहुत संताप झल्लिया, पर गुरु की कृपा सदका उन्हां सेवावां नूं चढ़दी कला नाल निभाउण दा जतन कीता। तख्त साहब की सेवा बहुत वड्डी है, पूरे संसार के सिखां नूं रीप्रजेंट करती है, पूरे संसार के सिखां की नुमाइंदगी सिख जगत के पंज तख्त आ, पंजां चों चौथा तख्त श्री दमदमा साहब। यह बहुत वड्डी सेवा वा, यह सेवा के सामने हरियाणा कमेटी की प्रधानगी की सेवा बहुत निगूणी बहुत छोटी है, पर मैं फैसला किया, मैं मन बनाया कि तख्त साहब की सेवा जिहड़ी आ ओह सरबत खालसा पंथ किसी भी योग व्यक्ति गुरसिख नूं मेरी जगह नियुक्त कर सकता, मैनूं खुशी होवेगी। मैं छोटी सेवा जिहड़ी मैनूं संगतां हरियाणे की लाई उन्हों निभावांगा ते पूरे संसार दे विच उसे तरह संगतां दे सहयोग नाल धर्म प्रचार प्रसार की सेवा करांगा। मैं जदों कार्यकारी प्रधान मैनूं बनाया सी उस वेले मैं कार्यकारी सी 13 अगस्त तक मैनूं पक्की जिम्मेवारी जिहड़ी आ 2.5 सालां की टर्म की जिहड़ी आ मैंबर साहिबाना ने सौंपी आ, तो हुण मैं गुरमर्यादा नूं मुख रखते हुए तख्त साहब के सन्मान नूं मुख रखते हुए अज मैं अपना एक बेनती पत्र तख्त श्री दमदमा साहब जिथों का मैनूं जथेदार लाया सी उत्थे मैं बेनती पत्र रख दिता जिन्हों सरबत खालसा पंथ प्रवान करे, मैनूं खुशी होवेगी। और इन्हां सेवावां नूं निभाउंदिआं मेरे कोल कोई भी कोताही होई होवे मैं बड़ी निम्रता सहित अपने पंथ खालसे दे कोलों माफ़ी मंगदा ते सहयोग की आस करदा कि पंथ दीआं सेवावां इसे तरह चढ़दी कला नाल जारी रहणगीआं। हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख सेवादारी के तौर पर भी ते एक धर्म प्रचारक के तौर पर भी जिस तरह संसार विच पहला विचर के सेवा की है इसे तरह खालसे के बोलबाले लई सांझीवालता लई सर्व सांझीवालता का उपदेश लैके इन्हां सेवावां नूं निभावांगे। सो बेनती पत्र असी जिहड़ा हैगा ओह तख्त श्री दमदमा साहब विखे गुरु दे चरणां दे विच अर्पण कर दिंदा। भाई बलजीत सिंह दादूवाल दे वल्लों तख्त श्री दमदमा साहब विखे एक बेनती पत्र दिता गया जिस विच उन्हां ने अपने अस्तीफे की गल लिखी है ते उन्हां ने जिक्र किया कि ओह हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान चुने गए ने ते इसलिए ओह ये सेवा ही निभाउणगे। ब्यूरो रिपोर्ट।